In today's math class, we will study that how to solve the word problem. And for this, you all need to open the page number 41. Sir, open किए हैं. तो 41 page number पे इसका जो PDF है, उसी questions को आपको पढ़ना है, समझना है, फिर उसको solve करना है. Yes. अभी भी कई सारे बच्चे अभिनव पांडे आपको बाहर करना पड़ेगा मुझे लग रहा है. आपका वीडियो नहीं बंद है, आपका बंद है. सर पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 41 बेटा, पेज नंबर 41. ऑन द टेबल 41. हाउ मेनी हैव ओपन, शो मी योर हैंड. कितने लोगों ने पेज नंबर 41 ओपन कर लिया है? हैंड रेज करें. ओके स्वर्णिमा बेटा, रीड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नॉट द फर्स्ट. अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन ही रीड करें. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें. क्वेश्चन नंबर वन में ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर आपका जो सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स लिखा है उसके नीचे जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ना है. ओ एन ऑन क्वेश्चन नंबर ए पेज नंबर 41. यस सर. यस सर. सौम्य शर्मा पढ़िए, बाकी लोग माइक बंद करें. On Monday, Asha read 28 page. On Tuesday, she read 33 page. How many pages did she read in all? Died नहीं है, did है. Did she in all? अगर मैंने आपसे, आप लोग कुछ पूछते हैं कि सर छुट्टी कब रहेगी, तो हम बोलते हैं ऑन संडे, यानी संडे के दिन. तो ऑन मंडे मीन्स क्या हुआ? मंडे के दिन, मंडे वाले दिन आशा रीड 28 पेजेस. आशा जो है वो कितना पेजेस पढ़ती है? नंबर ऑफ पेजेस 28 पेजेस रीड करती है, पढ़ती है. ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले दिन शी रीड 33 पेजेस. शी रीड, शी मीन्स क्या होता है? शी मीन्स ट्यूसडे के दिन वो 33 पेज पढ़ती है. शी मीन्स होता है वह. शी मीन्स वह. वह 33 पेजेस पढ़ती है ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले दिन. देवेश तिवारी, मैंने आपसे पूछा नहीं बेटा, एक बार समझाने के लिए बाकी सारे बच्चों को ध्यान से सुने. जब पूछूंगा तब बताना है, उसके पहले नहीं बताना है. जब पूछा जाए तब बताना है, बाकी समझना है. बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, उनको समझाने दीजिए पहले. ऑन मंडे, मंडे के दिन आशा रीड 28 पेजेस. आशा जो है वो 28 पेजेस पढ़ती है. ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन शी रीड 33 पेजेस. शी मीन्स वह. तो क्या होगा? वह 33 पेजेस पढ़ती है. वह कौन? वह आशा के लिए बोला जा रहा है. आशा जो है 33 पेजेस पढ़ती है. हाउ मेनी पेजेस डिड शी रीड इन ऑल? हाउ मेनी पेजेस आप लोगों को बताया गया है. हाउ मेनी मीन्स कितने सारे. तो हाउ मेनी पेजेस सारे, कितने सारे पेजेस. हाउ मेनी पेजेस मीन कितने सारे पेजेस. पन्ने, कितने सारे पन्ने. रीड इन ऑल, कितने सारे पेजेस. डिड शी रीड इन ऑल, डिड शी रीड इन ऑल. उसने वह मतलब आशा ने पढ़े इन ऑल, सब मिलाकर के टोटल कितने नंबर ऑफ पेजेस आशा ने पढ़े, ये तो पूछा जा रहा है ना. यस सर. पहला क्वेश्चन तो आपके बुक में ही सॉल्व है,
लेकिन अब आपको जैसे बुक में दिया है ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर यू डू नीड टू राइट, यू ऑल नीड टू राइट इन अ प्रॉपर वे। आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह लिखना है, अब उसी को सीखना है, उसी को करना है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा, सबको पता है एडिशन वाला चैप्टर है, सब उठा के नंबर को ऐड कर देंगे, लेकिन अभी आप ऐड कर ले जाएंगे उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। कि अगर आप प्रॉब्लम जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो आंसर में भी नहीं लिखेंगे तो बाद में चल के दिक्कतें आएंगी। तो अभी से प्रैक्टिस करना है, अभी से करना सीखना है। ओके यस सर। तो ऐसे में आप सभी लोगों को करना क्या है, अभी जो क्वेश्चन पढ़ा गया, अभी जो क्वेश्चन पढ़ा गया क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है यू ऑल नीड टू फाइंड आउट, जितनी भी चीजें बताई गई हैं सबसे पहले वो सारी चीजें आंसर में लिखना होता है। उसके बाद जो पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर बताना है, उसी इंफॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखा है उन्हीं इंफॉर्मेशन की मदद से, उन्हीं इंफॉर्मेशन को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या जो भी करना है उन्हीं की हेल्प से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन कौन सी चीजें बताई गई है। सबसे पहले क्या बताया गया है, सबसे पहले क्या बताया गया है, हाउ मेनी कैन टेल व्हाट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक 28 नंबर्स लिखा है, ये 28 क्या है, नंबर में जो लिखा है 28। आप सबसे पहले जब क्वेश्चन में देखे तो नंबर अंक में लिखा हुआ नंबर खोजा करें। सबसे पहला अंक आपका लिखा है 28। अभी 28 क्या है, 28 इज द नंबर ऑफ पेजेस। ये कौन सा नंबर ऑफ पेजेस है, आशा जो कि मंडे के दिन पढ़ती है, ये 28 नंबर ऑफ पेजेस वो नंबर ऑफ पेज है जो आशा मंडे के दिन पढ़ती है। 28 ही नहीं, इसमें एक और नंबर है 33। तो 28 नंबर ऑफ पेजेस है, तो अगर कोई पूछे 33 क्या है, 33 इज ऑल्सो द नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर आप बोलेंगे 28 भी नंबर ऑफ पेजेस है, 33 भी नंबर ऑफ पेजेस है, अब तो समझ जाएगा नहीं कौन सा नंबर ऑफ, ये कौन सा नंबर ऑफ पेज है, ये कौन सा नंबर ऑफ पेज है। 28 जो आपके क्वेश्चन में लिखा है और 33 ये भी नंबर ऑफ पेजेस है, ये भी नंबर ऑफ पेजेस है, लेकिन ये वाला आशा मंडे के दिन पढ़ती है और ये 33 आशा जो है वो ट्यूजडे के दिन पढ़ती है। ये वो नंबर ऑफ पेजेस है जो आशा ट्यूजडे के दिन पढ़ती है, यही तो है क्यों। यस सर। और ये नंबर ऑफ पेजेस वो है जो आशा कौन से दिन पढ़ती है, कौन से दिन, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे दिन पढ़ती है। 28 नंबर ऑफ पेजेस आशा किस दिन पढ़ती है, मंडे। और 33 नंबर ऑफ पेजेस मंडे, संडे, संडे। आप संडे मंडे ट्यूसडे करो, कई सारे बच्चे हैं जो टहल घूम रहे हैं। संडे कहाँ पे लिखा है, आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपके क्वेश्चन मंडे, उसके 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 हिसाब से बताइए। मैं वन बाय वन आएगा, कई लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो पढ़ रहे हैं उनसे क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 28 नंबर ऑफ पेजेस, 28 नंबर ऑफ आशा कौन से दिन पढ़ती है, आशा कौन से दिन पढ़ती है। 28 नंबर ऑफ पेजेस आशा कौन से दिन पढ़ती है, देवेश बताइए। देवेश से पूछ रहा हूँ ऑन मंडे आशा रीड 28 पे जो आम सर मंडे के दिन 28 पे पेजेस पढ़ती है सर ट्यूसडे के दिन सर 30। देवेश मैं पूछ रहा हूँ 28 पेज आशा कौन से दिन पढ़ती है, इसका आंसर मुझे बताइए। 28 कौन से दिन, मंडे। और 33 पेजेस कौन से दिन पढ़ती है, 33 पेजेस ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे के दिन। 33 पेजेस ट्यूसडे के दिन लिखा है आपकी बुक में। ऐसे में क्या है,
इसको कई सारे बच्चे डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, लेकिन ये लिखने के पहले आपको करना क्या होता है, आपको लिखना भी होता है। अब लिखना आप लोग सीख जाएंगे तो लिखना समझेंगे लिखना कैसे होता है। अभी आप क्वेश्चन समझ चुके हैं कि क्या पूछा गया है, अब इसका आंसर जैसे लिखना है ये समझिए। सबसे पहले लिखा है 28 पेजेस ना, तो आप क्या करेंगे 28 + 33 इसको सीधा ऐड करके आंसर लिख देते हैं। ऐसे नहीं लिखना होता, पहले सारी इंफॉर्मेशन जो दिया है वो लिखिए। अभी yes, लिखा है ना, इसको आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। 28 क्या है? नंबर ऑफ पेज ही तो है। अभी आप सबसे पहले 28 अभी 28 लिखेंगे, 28 क्या है पहले वो लिखेंगे। 28 क्या है? नंबर ऑफ पेजेस, कौन सा नंबर ऑफ पेज है? आशा रीड ऑन मंडे, यही तो लिखा है। यस सर। यस सर। कितना? 28। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद 33 मुझे लिखना है, तो 33 लिखेंगे। नंबर ऑफ पेजेस, ये 33 भी तो नंबर ऑफ पेजेस ही है ना। ये कौन सा नंबर ऑफ पेजेस है? आशा रीड ऑन, क्या लिखेंगे? आशा रीड ऑन कौन से दिन पढ़ती है? 33। फिर क्या पूछा गया? टोटल नंबर ऑफ पेजेस, उसने वो कितना पढ़ती है? हाउ मेनी पेजेस डिड शी रीड? 61। इसको क्या लिखेंगे? 61। बेटा सुनिए, बेटा डायरेक्टली अगर कोई 61 लिखेगा, देखो 10 नंबर कराएगा, मैं भी आधा नंबर दूंगा। अगर ये सब नहीं लिखेंगे तो समझ लो 10 में से 5 नंबर पाओगे, 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये सब भी लिखना सीख लीजिए। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम मिले तो आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह आंसर देना है, नहीं तो आधा नंबर पाएंगे और फेल हो जाएंगे। अब बाकी अब आप जानो, अगर आपको फर्स्ट में रहना है तो भाई कोई बात नहीं, अगले साल भी फर्स्ट में पढ़ना, उसके बाद भी फर्स्ट में पढ़ना, उसके बाद भी फर्स्ट में पढ़ना। लेकिन अगर आपको पास होना है अच्छे नंबर से, अच्छे बच्चे बनना है, तो आपको मतलब प्रॉपर वे में आपको ये वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। डायरेक्टली प्लस नहीं करना है, अभी आपको पहले लिखना पड़ेगा ये क्या लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं। अभी क्या करने जा रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ अभी ध्यान से सुन लीजिए आदर्श, आप भी नहीं कर पाए। टोटल नंबर ऑफ पेजेस शी रीड इन ऑल, शी रीड इन ऑल, यहीं पे लिख दे रहे हैं इन ऑल, क्या होगा? 28 + 33। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना? 61। ये डायरेक्टली 61 लिख देंगे, आधा नंबर मिलेगा। अगर आप पूरा लिखेंगे तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। अभी दिख नहीं रहा आपको उधर, चलिए ठीक है, मैं उधर कैमरा कर दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो, अभी दो तरीके हैं क्वेश्चन का आंसर लिखने का। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कई सारे बच्चे क्या करेंगे, 28 + 33 = 61 ऐसे लिख देंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जितना क्वेश्चन होगा तो मैं आपको एक नंबर दूंगा, एक नंबर नहीं दूंगा। ये हाफ है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जोड़ देना होता तो मैं डायरेक्टली आपको ऐसे दे देता ना, ऐसे दे देता। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इस तरीके से, आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आपको एक बार धीमे धीमे
आपको सॉल्व करना भी सीखना पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम में जो जितने भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है सारी इंफॉर्मेशन पहले लिखना पड़ेगा। गलत होगा सही होगा कोई बात नहीं, अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, बाद में धीरे धीरे सही हो जाएगा। नंबर जैसे सबसे पहले आपने लिखा है 28 हो गया, फिर 33 प्लस 61 आप ऐसे जो कर रहे हैं ना, ये सब करने के पहले आपको ये 28 है क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे, फिर 33 क्या है पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर ये 61 क्या है ऐसे लिखना पड़ेगा। वही मैंने भी लिखा है 28 लिखा है 33 लिखा है, ये दोनों को ऐड करके 61 कर दिया, वही तो लिखा है ना, लेकिन ये क्या सर है मैंने कर लिया ये क्या है ये भी लिखना पड़ेगा, ये 28 मैंने लिख लिया। तो क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि नंबर ऑफ पेजेस है जो कि आशा रीड ऑन मंडे, जो आशा मंडे के दिन पढ़ती है 28 वही तो है। यस सर। अब पूछेंगे ये 33 क्या है, ये 33 क्या है, ये 33 आपको लिखना पड़ेगा, 33 क्या है, 33 इज ऑल्सो द नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस आशा रीड ऑन ट्यूजडे, 33 क्या है नंबर ऑफ पेजेस है आशा रीड ऑन ट्यूजडे, कौन सा नंबर ऑफ पेजेस है जो आशा ट्यूजडे, यही तो है ना। अरे 61 क्या है, प्लस करके जो 61 क्या है वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, वो भी नंबर ऑफ पेजेस ही है, 61 पेज ही हुआ है, कौन सा नंबर ऑफ पेजेस है, शी रीड इन ऑल सब मिला करके वो जो पढ़ती है वो नंबर ऑफ पेजेस है, वही किया गया ना। यस सर। ये इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी है, ये प्लस माइनस तो सारे बच्चे कर ले जाते हैं, अब ये जो लिख ले जाएगा वही तेज कहलाएगा, समझ में आया, कर ले जाएगा इस तरीके से। यस सर सर मैंने कर लिया लिखना पड़ेगा। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन भी कराने जा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन के लिए रेडी हूँ। आराध्या यादव क्वेश्चन नंबर बी पढ़िए बेटा। सर बुक मेरे पास नो है। बुक नो है, आई डोंट हैव बुक, आपको ऐसे बोलना चाहिए, व्हाई यू डोंट हैव बुक, वेयर इज योर बुक। सर बुक खो गई है। बुक खो गई है तो कैसे आप पढ़ोगे नहीं, इसका मतलब पापा से बोलेगा मुझसे बात कर लेंगे एक बार, ठीक है। यस सर। पापा से अभी बोलना, क्लास के बाद मुझसे बात करेंगे। ओके दिव्यांशु। यस सर। रीड द सेकंड क्वेश्चन। There were children in books 15 more ये अभी पढ़ना नहीं जानते हैं, इतने बड़े हो गए हैं, इनको दोबारा मुझे यूकेजी में भेजना पड़ेगा लग रहा है। डेली बुक नहीं पढ़ेंगे तो यही होगा, पढ़ नहीं पाएंगे, इसका मतलब क्या निकालेंगे, इतनी दूर की बात है, अभी पढ़ना नहीं जानते हो, इसका अर्थ children got in दिव्यांशु घर पे पढ़िएगा। आदर्श हाँ बेटा आदर्श आदर्श गुप्ता चिल्ड्रन गोट इन मेनी चिल्ड्रन। आदर्श गुप्ता बेटा आपके यहाँ से बहुत शोर हो रहा है, पहले उन लोगों को शांत कराइए फिर उसके बाद अपना माइक ऑन करिएगा, तब तक कोई दूसरा पढ़ेगा। बेटा अमर आप पढ़िए। सर डियर वेयर 52 चिल्ड्रन इन आ बस 15 मोर चिल्ड्रन
What in how many children are there in bus now? Goat नहीं है, goat है. चलो आदर्श प्रताप सिंह एक बार आप पढ़िए. आदर्श प्रताप सिंह. अनुष्का जायसवाल बेटा माइक ऑन करके आप पढ़िए. क्वेश्चन नंबर बी. There were 52 children in a bus. 15 more children got in. Goat how name. Many children are? How many children are there in bus? No. No, नहीं, now. N-O-W, now. ध्यान से सुने, 10 मिनट बचा है, इस क्वेश्चन को समझा ले जाऊं जिससे आप लोग कर ले जाएं. देयर वर, यस सर, या वेर बोले, कई लोग वेर भी बोलते हैं, कई लोग वर भी बोलते हैं, डब्ल्यू ई आर ई, ठीक है. देयर वर 52 चिल्ड्रेन इन अ बस. अभी कई बार आप लोग पढ़ते हैं देयर आर, देयर आर 52 चिल्ड्रेन. इसका मतलब वहां पे 52 चिल्ड्रेन हैं, लेकिन आर के जगह अगर वेयर आपने लिख दिया तो इसका मतलब वहां पे 50 चिल्ड्रेन थे, है नहीं थे. आर अगर है तो वहां पे 52 चिल्ड्रेन हैं, लेकिन अगर वर हो गया तो वहां पे 52 चिल्ड्रेन थे. समझ में आ गया? यस सर. There were 52 children in a bus. एक बस में मान लीजिए 52 children थे. 15 more children. More means क्या हुआ? अलग. More means और. More means ज्यादा. M-O-R-E, more means. ज्यादा बोले, ज्यादा. देर 52 चिल्ड्रन इन अ बस. किसी बस में 52 चिल्ड्रन थे. 15 मोर चिल्ड्रन गॉट इन. 15 मोर चिल्ड्रन, 15 और बच्चे, 15 और ज्यादा बच्चे गॉट इन. कहां पे? बस में और आ गए. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देर इन बस नाउ? हाउ मेनी चिल्ड्रन, कितने सारे बच्चे बस में है नाउ? अब तो देखो कई लोगों ने फिर से बता दिया, 52 + 15 = 67. लेकिन आप ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे तो ये मैं 10 नंबर का रहेगा तो आपको 5 नंबर दूंगा. आधा सही भी काटूंगा, आधा गलत भी काटूंगा, क्योंकि ये 52 क्या है लिखा नहीं, ये 15 क्या है ये भी आपने नहीं लिखा. आपको इसी क्वेश्चन में से देख करके लिखना है, अपने मर्जी से लिखना है. ये 52 क्या है वो भी लिखना है, 15 क्या है ये भी पहले इंग्लिश में लिखना है, 67 क्या है ये भी पहले इंग्लिश में लिखना है. अगर ये तीनों नहीं लिखे तो आधा नंबर गलत कट जाएगा, आधा गलत माना जाएगा. समझ में आया? यस सर. अब कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? लिखेंगे तो समझ में आएगा. पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. बेटा आदर्श प्रताप, आदर्श गुप्ता, आपके यहाँ से इतनी आवाज आ रही है, अभी आपको रिमूव कर दूंगा. अभी जो स्पीकर लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो रहा, मैं तुरंत बाहर करूंगा आपको. आपकी पढ़ाई हो जाएगी, फिर वीडियो देखना शाम को. आवाज पर नहीं आना चाहिए. ये 52 क्या है, 15 क्या है, 67 क्या है, सबसे पहले आपको लिखना रहता है. सबसे पहले ये 52 लिखना है ना. 52 है, यस सर. है क्या ये 52 क्या है, क्या है बताइए? नंबर बताइए. नंबर सर, नंबर कौन सा नंबर है सर? 52. अगर नंबर 52, ये 52 कौन सा नंबर है ये बताइए.
कौन सा नंबर है? माइक ऑन करिए, अपने अपनी अपने क्वेश्चन को पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, देखिए उसमें उसमें बताया गया है, अपने बुक में देखिए 52 कौन सा नंबर है, कौन लोग हैं ये 52 क्या है? सर डियर आर डियर वी आर 52 चिल्ड्रन चिल्ड्रन गॉट इन हाउ मेनी चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन देयर इन बस नाउ। सारे बच्चे केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुन नहीं रहे। मैं पूछ रहा हूँ 52 क्या है, आगे देखिए लिखा है 52 फ्रूट है, 52 बुक्स है, 52 पेंसिल है, 52 चॉकलेट है, क्या है? 52 चिल्ड्रन है, 52 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, 52 नंबर ऑफ चिल्ड्रन बस में, बस में ना, तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको पहले ये लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन CHILDREN चिल्ड्रेन इन इन द बस, इन बस लिख दीजिए, जगह कम है, कितना थे 52। अब उसके बाद क्या हुआ, 50 आपने यहाँ पे किया था 52 फिर 50 फिर 67 ना, अभी 15 लिखना है, ये 15 क्या है, किताबें हैं क्या है, व्हाट इज 15 15 चॉकलेट है, नंबर ऑफ 15 चिल्ड्रन 15 क्या है, 15 इज ऑल्सो मोर चिल्ड्रन, 15 चिल्ड्रन है, लेकिन ये कौन से चिल्ड्रन है, जो और चिल्ड्रन आ गए, नंबर ऑफ मोर चिल्ड्रन आ गए, गॉट इन द बस, नंबर ऑफ मोर चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ मोर चिल्ड्रन लिखा है 15 मोर चिल्ड्रन, ये 15 क्या है, नंबर ऑफ मोर चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गॉट इन द बस, गॉट इन बस कितना 15 67 आप 67 लिखेंगे, 67 क्या है, यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे, लेकिन उसके पहले 67 क्या है, पहले इधर ये लिखना है 67 क्या है, पूछा गया था, यही पूछा गया था, टोटल नंबर, टोटल नंबर, ये किस चीज का टोटल नंबर है, चॉकलेट का, टॉफी का, किसका है, नो सर सर चिल्ड्रन का, चिल्ड्रन का, कहाँ पे, आपके घर के या स्कूल में या किसी तीसरे स्कूल में, कहाँ पे, कि जीप में कि कार में, सर बस में, सर बस में, सर बस में, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बस, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन बस, बस नाउ इज अब क्या होगा, 52 प्लस 15 इक्वल टू 67 चिल्ड्रेन, एंड दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द आंसर, इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसी तरीके से आपको आंसर लिखना होता है, कर ले जाएंगे, यस सर, ठीक है, इसी तरीके से बेटा आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, यस सर, इसी तरीके से आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, होमवर्क आपको कॉपी में करना है और ऐसे ही लिखना है, ये लिखना मत भूलना, यही मैं चेक करूंगा कि कितने लोग लिख पाते हैं कितने लोग नहीं लिख पाते हैं, जो लिख ले जाएंगे वही अच्छे बच्चे कहलाएंगे, जो नहीं लिख पाएंगे उनको सीखना पड़ेगा, मैं बताऊंगा, ध्यान से आप पढ़ाई करेंगे तो आप भी कर ले जाएंगे, अभी आज जो पढ़ाई, ये पूरा लिखना है बुक में था, क्या हुआ आदर्श, सर ये बुक में, सर ये वाला आज लिखना है सर कॉपी में, नहीं ये सर लिख करके आपको होमवर्क भेजेंगे, तब इसका आंसर जैसे मैंने दिया है, जैसे मैंने समझाया है, उसी तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, यस सर, ओके यस सर, और है यस सर,
इसका वीडियो शाम को भेजा जाएगा आपके ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने पढ़ाया है सारा वीडियो भेजा जाएगा। उसको प्रॉपरली एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कैसे कैसे करना है, अगर भूलें आप एक बार और देख लेंगे कैसे लिखना है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके यस सर, एक बार आप देखिएगा आपको जो कॉन्सेप्ट है जाएगा, फिर उसके बाद सॉल्व करिएगा। आज के लिए इतना ही बेटा, और अब बाकी आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो 1 बजे होगी। सर बुक में तो लिखना है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम आप बुक में भी कर लीजिएगा, लेकिन कॉपी में जैसे मैंने बताया है कॉपी में ऐसे करना, बुक में तो जगह ही नहीं है। यस सर।